नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। ओमिक्रॉन से मरने वालों में 90% ने नहीं ली थी वैक्सीन। तीसरी लहर का कहर अब थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बीच इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की स्टडी में सामने आया है कि ओमिक्रॉन की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें हर 10 में से 9 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन नहीं ली थी। शायद यही वजह रही कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर उतनी ज्यादा घातक नहीं रही। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हुए लोगों की मृत्यु दर 10% थी, जबकि वैक्सीन नहीं लेने वालों में मृत्यु दर 22% रही। ICMR के मुताबिक मौत का खतरा उन लोगों को ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। डॉक्टर भार्गव ने ये भी बताया कि वैक्सीन लेने के बाद भी जिनकी मौत हुई है उनमें 10 में से 9 ऐसे थे जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। IPS का ट्वीट हुआ वायरल, लिखा, पुष्पा झुकेगा भी धरा भी जाएगा। लोगों का फिल्म पुष्पा को लेकर इन दिनों काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ लोग इससे जुड़े सीन पर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो वही हाल ही में लाल चंदन की तस्करी में शामिल तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि तस्कर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से प्रेरित थे। चोरी की प्लानिंग भी पूरी तरह से फिल्म के अनुसार ही देखने को मिली, जिसमें ट्रक में लाल चंदन के ऊपर कई फल के डिब्बे भी थे और साथ ही कोरोना आवश्यक उत्पादों का स्टिकर भी लगा दिया गया था। इस पर IPS ने ट्वीट कर लिखा कि पुष्पा झुकेगा भी धरा भी जाएगा, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, फिल्म में जारी वैधानिक चेतावनी को अनदेखा करने का नतीजा। तो वहीं एक अन्य कहा, कच्चा खिलाड़ी था, कोई प्लान ऑफ एक्शन होता है? ऐसे थोड़ी कि पुष्पा देखी और सोच लिया आज स्मगलिंग कर लेते हैं। पुलिस भी सिम्बा सिंघम सूर्यवंशी देख चुकी है। एक और यूजर ने कहा कि पुलिस को फ्लावर समझने की गलती कर दी, उसे क्या पता कि पुलिस वाले फायर हैं। कांग्रेस की तरफ से CM चेहरे के ऐलान से पहले बोले नवजोत सिंह सिद्धू, ऊपर बैठे लोग चाहते हैं कमजोर मुख्यमंत्री जो उनके इशारे पर नाचे। CM उम्मीदवार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चिन्नी के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच बोलते हुए कहा कि CM के हाथ में होता है राज्य को नया बनाना। पंजाब को अगर नया बनाना है तो ये CM के हाथ में है। ऊपर बैठे लोग एक कमजोर CM चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचे। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से सवाल करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा CM चाहते हैं? तीसरी लहर में कोरोना ने युवाओं को बनाया सबसे ज्यादा शिकार। 37 अस्पतालों से मिले डेटा के सर्वेक्षण में पता चला है कि 44 साल की उम्र की युवा आबादी COVID-19 की इस लहर में ज्यादा संक्रमित हुई है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिर्देशक बलराम भार्गव ने कहा, कोविड की इस लहर में मरीजों में गले में खराश की समस्या ज्यादा देखने को मिली। भार्गव ने कहा कि पहले की लहरों में संक्रमित आबादी के वर्ग की औसतम आयु 55 साल थी। भार्गव ने अपनी बात में आगे कहा कि इस डेटा के लिए दो समय अवधि ली गई थी। एक अवधि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की थी, जब माना जाता है कि डेल्टा वेरिएंट हावी था। दूसरी अवधि 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक की थी, जब समझा जाता है कि ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले आ रहे थे। शबाना आजमी के बाद जया बच्चन कोरोना पॉजिटिव। एक्ट्रेस शबाना आजमी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर के बाद जया बच्चन भी इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो जया बच्चन और शबाना आजमी के कोविड पॉजिटिव होने से फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पर काफी असर पड़ा है। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेस का अहम रोल है। मूवी का अगला स्केड्यूल दिल्ली में शूट होना था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। धन्यवाद।